Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Are you going for a haircut? You're waiting for a haircut? Okay. अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम से अभी अभी घर आई हूँ, थोड़ी बहुत सफाई की घर की और अब बनाने लगी हूँ अदरक वाली चाय। ये बन रही है मेरी चाय। चाय तो पक गई है, अभी इसमें डालना है दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पड़ गया दूध और बस अब जोश आने देते हैं चाय को और हमारी चाय रेडी। अच्छा जी, मैंने अपनी जिंजर वाली चाय के साथ खाना है ये। इसे हम यहाँ तो जाहिर है क्रस्टी वाइट रोल कहते हैं हम इसे। जब हम छोटे छोटे थे ना तो सुबह सुबह बेकरी में मेरी अम्मी मुझे भेजते थे लाने के लिए, क्योंकि घर में बड़ी मैं ही थी, तो हम इसे कहते थे कड़क पाओ। क्या कहते थे? कड़क पाओ। इसे ना बटर के साथ खाओ, बहुत अच्छा, बटर स्प्रेड करके उसके साथ खाओ, बड़ा मज़ा आता। फिलहाल मैं तो खा रही हूँ इस तरीके से, इसे जो है ना ग्रिल करके थोड़ा सा और अच्छे से क्रंची करके और अपनी इस जिंजर वाली चाय के साथ खाने वाली हूँ। है, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये रही मेरी चाय, रेडी हो गई। और ये रहे मेरा ब्रेड पाव, हम जिसे कहते हैं पाव है। अब इसमें मैंने लगाना है थोड़ा सा बटर और उसके साथ मैंने खाना है। अच्छा जी, मेरी ब्रेड बन के रेडी है और मेरी चाय भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी खाते हैं। हम इसे कहते हैं कड़क पाव। मुझे नहीं पता आप में से जो जो भी वीडियो देख रहा होगा मेरी, वो क्या कहते हैं। इंग्लैंड में इसे तो रोल कहते हैं, क्रंची रोल। और जहाँ जहाँ मैं जब छोटी थी ना, तो उस वक्त जो सुबह सुबह मेरी अम्मी मुझे उठा दिया करती थी, कि स्कूल भी जाना होता था तो उठा दिया करती थी सुबह सुबह के जाओ जाके ब्रेड लेकर आओ। तो ये इस तरह के जो ना ब्रेड वहाँ मिलते थे, देखो पीछे से कितना क्रंची है, मुझे बड़े अच्छे लगते थे ये। मैं सुबह सुबह जाके उससे कहती थी एकदम से ना रोस्ट हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो मुझे बड़ा पसंद होता था। तो इस तरीके से बड़े बड़े कड़क पाओ उस पर बटर लगा के चाय में डुबो के इस तरीके से। मजा आ गया। जो बचपन की यादें हैं ना, बहुत अच्छी थी। जब छोटे तो लगता था कि कब बड़े हो जाएंगे, कब पढ़ाई से जान छूटेगी, कब अम्मी के गुस्से से या अम्मी जो कहती है बार बार ये मत करो वो करो वो मत करो वो करो उससे जान छूटेगी। लेकिन अब पता लगता है कि नहीं, वो वक्त ही अच्छा था। इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतना सारा काम है, उससे तो थक ही जाते हैं। सच में बचपन बहुत अच्छा होता है। जियो, जो भी बच्चे हैं ना खुश होके जियो, क्योंकि ये वक्त बाद में पलट के नहीं आने वाला, ठीक है। मेहनत करो, पढ़ाई पर करो, घर में अपने माँ बाप की मदद करो, हेल्प करो उनके काम में। खाली सिर्फ खेलना कूदना ही नहीं, मोबाइल में लगे रहना ही नहीं, अपने अम्मी अब्बू के काम में कह लो, बाहर घर में मदद करो। ये देखो बटर, यम यम यम, चमक रहा है बटर। वैसे ये पाव कहते हैं पाव ना, मुझे दही के साथ भी बहुत पसंद है। दही दही और चाय। एक बाइट इसका लो, एक सिप इसकी लो।
मजा आ गया। चाय पीते ही सारी थकन खत्म हो जाती है। बस बहुत गर्म है, हाय हाय कलेजे में लग गई। चले जी मैं अपनी चाय फिनिश कर लूं। ठीक है, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो है, बस थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। काफी दिनों से वीडियो मैंने नहीं बनाया था तो मैंने कहा चलो अभी बना लेती हूँ। चाय बना रही थी, चाय बनाते बनाते मैंने सोचा चलो दो बातें कर लेते हैं आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें प्लीज। अल्लाह हाफिज़।